भारत जोड़ो यात्रा पिछले 3 दिनों से केरल में है और राज्य में यात्रा का मंगलवार का 3रा दिन था। इस दौरान सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह एक बुजुर्ग के पांव छूते नजर आ रहे हैं। वीडियो में देखा जा सकता है कि एक बुजुर्ग के बीच सड़क पर तिरंगा लिए खड़े हैं, तभी पार्टी के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह वहां पहुंचते हैं और बुजुर्ग के पांव छूते हैं और नमन करते हैं। बाद में वे बुजुर्ग के हाथ चूमते हैं और अपने माथे से भी लगाते हैं। खास बात यह है कि दिग्विजय सिंह ने बाद में बुजुर्ग की यात्रा की अगुवाई कर रहे पार्टी नेता राहुल गांधी से भी मुलाकात करवाई। राहुल से मिलते ही बुजुर्ग रो पड़े। तस्वीर में देखा जा सकता है कि बुजुर्ग अपने आंसू पोंछ रहे हैं और राहुल गांधी उनके कंधे पर हाथ रखे हुए हैं। दिल को छू देने वाली तस्वीर में देख सकते हैं कि बुजुर्ग ने तिरंगा को अपने सिर पर सजा कर रखा हुआ है। भारत जोड़ो यात्रा के दौरान राहुल गांधी इस तरह बच्चे, बूढ़े, युवा सभी से बड़ी खुसूसी मुलाकात कर रहे हैं। किस तरह राहुल गांधी सभी वर्गों के लोगों से मिल रहे हैं और गले लगा रहे हैं। मंगलवार को हो रही राहुल गांधी बच्चों के साथ सेल्फी लेते दिखे थे, जहां बच्चे फूल के साथ उनके स्वागत में खड़े थे। वहीं वो एक बुजुर्ग महिला को पानी पिलाते भी नजर आए थे। कांग्रेस नेता की भारत जोड़ो यात्रा के तहत 2024 के लोकसभा चुनाव और आने वाले राज्यों के विधानसभा चुनावों के लिए मतदाताओं की मोबिलाइज करना मकसद है। राहुल गांधी अभी तक 7 दिनों की यात्रा पूरी कर चुके हैं। इस दौरान राहुल की यात्रा विवादों में भी घिरती नजर आ रही है। मसलन शीर्ष बाल अधिकार निकाय NCPCR के उन पर बच्चों को राजनीतिक उपकरण के रूप में दुरुपयोग करने का आरोप लगाया है। NCPCR ने चुनाव आयोग से राहुल गांधी के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की है। कथित रूप से NCPCR को शिकायत मिली है कि राहुल गांधी और जवाहर बाल मंच के बच्चों को राजनीतिक इरादे का निशाना बना रहे हैं और उन्हें राजनीतिक गतिविधियों में शामिल कर रहे हैं। NCPCR ने आरोप लगाया है कि यह चुनाव आयोग के नियमों का उल्लंघन है, जो कहता है कि सिर्फ अडल्ट ही राजनीतिक दल का हिस्सा हो सकते हैं।